और प्रशासन ने आकर के देखा कि हम इसका समाधान करेंगे। लगातार 2 महीना बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। देखिए जब से विप्रो जॉय तूफान आया है तब से लेकर के अभी तक तेजा जी की देवली, जो एक पवित्र स्थान है, लोगों की आस्था का केंद्र है, तेजा जी की देवली पर लगातार पिछले 2 महीने से पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने मीटिंग करी और प्रशासन ने आकर के देखा कि हम इसका समाधान करेंगे। लगातार 2 महीना बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। बार बार आग्रह करने के बावजूद, बार बार दिखाने के बावजूद हमने अल्टीमेटम भी दिया कि हम या तो प्रशासन इस रोड की सुध ले, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग दूध नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुलाबबाड़ी वाला जो मार्ग है, जो एकमात्र लोगों का मार्ग है, कल्याणीपुरा की सारी बसेस उस मार्ग से निकलती हैं। लोग चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो चाहे और कोई हो, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 10 बार लिखित में सूचना देने के बाद में, टेलीफोन से सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन कोई नहीं जाग रहा है, ना उसकी सुध ले रहा है। हमने सूचना दी कि हम रास्ता रोकेंगे, इसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। आज क्षेत्रवासियों के साथ मैं स्वयं धरने पर बैठी हूँ, क्योंकि क्षेत्रवासी बहुत परेशान हो गए हैं। लगातार कांग्रेस की सरकार में जो सड़कें स्वीकृत हैं उन सड़कों को भी नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उनके पूर्व के कार्यों का भुगतान नहीं किया। इस बार विधानसभा में मेरे द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनाई गई सड़कों का मुद्दा भी उठाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से हमने ये रास्ता रोका है और हम जो है आज इस सड़क को रोक करके ये प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं कि यदि प्रशासन नहीं मिल रहा तो इससे भी उग्र आंदोलन आगे वाले समय में किया जाएगा। ये कब तक किया जाएगा? आज ये सांकेतिक धरना है, आज के बाद में यदि ये नहीं किया जाएगा तो प्रशासन इसके अलावा और कार्रवाई करेगी। आज 52 55 सबसे ज्यादा समस्या है। आप खुद भैया जाके देखिएगा कि जो राजाकोटी स्कूल से इस पॉइंट स्कूल तक की जो हालत हो रही है, ना स्कूल में बच्चे जा पा रहे हैं, न कोई बुजुर्ग वहाँ से निकल पा रहा है, न वहाँ 2-व्हीलर पे जा सकते हो, न 4-व्हीलर पे जा सकते हो। आप जाओगे तो सही सलामत घर आओगे, नहीं आओगे ये सोच समझ के निकलना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो रही है कि 8 महीने पहले जब विधायक कोष से 70 लाख रुपए के लगभग की राशि स्वीकृत हुई है, उसके बावजूद भी प्रशासन वहाँ पर काम नहीं करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ऊपर से दबाव बना रखा है कि बीजेपी के जो विधायक है उनके कोई विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। और विधायकों का विकास कार्य विधायक को से स्वीकृत हुआ तो कार्रवाई करना पड़ेगा। आम जनता को आप क्या दिखाना चाहते हैं? आम जनता को क्यों परेशान कर रखा है? आप जाके देखिए, कोई वहाँ से निकल नहीं पा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर से ये महिलाएं जो बैठी उसी क्षेत्र की महिलाएं, ये सब्जी लेने नहीं जा पा रही है, दूध लेने नहीं जा पा रही है, बारिश के टाइम इनके घरों में पानी भर जाता है, इनके खाना बनाने की दिक्कत आती है। मतलब इतनी स्थिति खराब कर रखी है, और जब स्वीकृत हुआ वो पैसा है और वो उसका काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बताना क्या चाह रहे हो, कि क्या प्रेशर डालना चाह रहे हो कि विधायक का काम आप रोक के बैठे हो, कि जिला प्रशासन चाहता क्या है? आखिर में यही हालत, आप ये मेवली रोड की हालत देख लीजिए, वहाँ से पूरा अजमेर शहर जाता है, क्या स्थिति है वहाँ से? हम लोग कभी नहीं निकल पाते, हमको भी वहाँ से जाना, हम न तो इधर से जा पाते, कभी हमारी मीटिंग होती है तो हम जा ही नहीं पाते, निकले कैसे? 2-व्हीलर भी नहीं निकल पाते कई दफे, तो हम भी गिरते गिरते बचे, बुजुर्ग वो तो आए भी नहीं एक्सीडेंट। क्या आप लोगों ने आज हमने यहाँ पर रोड जाम किया है, इससे कोई कांग्रेस सरकार की आंखें खुले, जिला प्रशासन की आंखें खुले और वो उनके कुछ कानों में जूं रेंगे कि भाई जनता परेशान हो रही है, विकास कार्य करवाएं, ये राजनीति भूलकर जनता की भलाई के बारे में सोचे थोड़ा सा। बस यही हमने आज ये प्रदर्शन किया है। जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा तब तक हम यहाँ बैठे हैं, देखते हैं कौन अधिकारी हमने आगे। सभी क्षेत्रवासी वरिष्ठजनों से अनुरोध है कि एक बार आकर बैठे धरने में, अशोक गहलोत किसी अधिकारी को आने देगा यहाँ पे? माताओं बहनों से भी निवेदन है, युवा साथियों से, एक बार सभी धरने में स्थल पर बैठे, जो साइड में बैठे हैं, कृपया करके।